पलवल जिले में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए कलाकार यूनिस खान और उनकी टीम द्वारा पलवल के रेलवे स्टेशन के समीप टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा की 180 फीट की पेंटिंग बनाई गई है। उन्होंने बताया कि ये पेंटिंग युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई गई है। उनके डेडिकेट की है नीरज चोपड़ा के लिए और तमाम अपने देशवासियों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अपने देश के लिए गोल्ड लाना, और जिससे कि हम सबको बड़ा प्राउड है। और आने वाली जो जनरेशन है, जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं अपने, जो भी इस फील्ड में हैं, तो उन सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये हमें देख कर, हमें एक दूसरे को इंस्पायर करती है। तो बस यही चीज़ देखकर हमारे अंदर भी ये था कि एक ये बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक पोर्ट्रेट हम नीरज चोपड़ा को डेडिकेट कर पाए। जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह ने कहा कि खेल भावनाओं को बढ़ाने के लिए और युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित करने के लिए यूनिस खान और उनकी टीम द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इस पेंटिंग के जरिए युवाओं को खेलों के प्रति एक सार्थक संदेश जाएगा, जिससे युवा खेलों के प्रति आकर्षित होंगे। पलवल में जो इन बच्चों ने किया है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग एफर्ट है। इससे और भी बच्चे प्रेरित होंगे, नई जनरेशन है, आम लोकल पब्लिक इसको देखेगी, रेल ट्रेन निकलती है, ट्रेन में से भी दिखाई देगा, ताकि हमारा मैसेज सिर्फ हरियाणा भर का नहीं रह के पूरे देश का हो जाए।